जिस रिहाना ने भारत को कभी गरीब देश था बताया, आज उसी गरीब देश के सबसे अमीर आदमी ने पैसा देकर नचाया। जिसने कभी उड़ाया था भारत का मजा, वो अब पैसों के लिए दौड़ी दौड़ी आई अंबानी के द्वार। मुकेश अंबानी ने दिखा दी उसको उसकी औकात, एक झटके में ले लिया पूरे हिंदुस्तान का बदला। जिस भारत को रिहाना बताती थी गरीब देश, अब उसी भारत में पूरी रात गाना गाया ठुमके लगाए अंबानी परिवार ने ले लिया सबसे बड़ा बदला, तोड़ दिया रिहाना का सबसे बड़ा घमंड। करोड़ों की फीस देकर भारत की करने लगी जय जयकार, भूलकर इंग्लिश गाने हिंदी गानों पर करने लगी डांस। विदेशी सिंगर रिहाना एक बड़ा ट्रक भर के लाई थी सामान, अंबानी ने कर दिया ऐसा काम जिसे देखकर दुनिया रह गई हैरान। जी, इसे कहते हैं असली औकात दिखाना। जो लोग कभी हिंदुस्तान को गरीब बताते थे, हिंदुस्तान से चिढ़ते थे, हिंदुस्तान का मजाक उड़ाते थे, आज उसी हिंदुस्तान में आकर पैसों के लिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बचपन में आपने वो थूक कर चाटने वाली कहावत तो सुनी ही होगी, आज विदेशी सिंगर रिहाना ने इसी तरीके से थूक कर चाटा है। ये वही रिहाना है जो भारत को गरीब देश बताती थी, भारत का मजाक उड़ाती थी, लेकिन आज मुकेश अंबानी यानी कि एक भारतीय उस रिहाना को औकात पर ले आया। इसीलिए कहते हैं कभी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। ये बात है साल 2023 की, जब रिहाना ने हिंदुस्तान को एक गरीब देश बताया था। तब किसी ने नहीं सोचा था कि वो दिन भी आएगा जब रिहाना एक भारतीय यानी कि जिस भारत को वो गरीब देश बता रही है उसी के एक नागरिक मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में नाचते हुए दिखाई देगी। साल 2023 में रिहाना ने एक इंटरव्यू में हिंदुस्तान को गरीब देश बताया था। इस बयान ने भारत में बहुत ज्यादा गुस्सा पैदा किया था, आक्रोश पैदा किया था और कई लोगों ने रिहाना की बहुत कड़ी निंदा की थी। लेकिन एक साल के अंदर ही इस रिहाना को उसकी औकात दिखा दी गई। 2024 में अनंत अंबानी की शादी में रिहाना ने पैसे लेकर खूब ठुमके लगाए, खूब गाना गाया। बताया जा रहा रिहाना ने अनंत अंबानी के प्री वेडिंग फंक्शन में कुछ घंटों के डांस के लिए 70 करोड़ रुपए फीस चार्ज की है और अंबानी ने भी उनको हंसते हंसते 70 करोड़ दे दिए ताकि उनको उनकी असली औकात पता चल सके, वो आगे से हिंदुस्तान को कभी गरीब देश ना बताए। अंबानी के जश्न में नंगे पैर नाची है रिहाना। रिहाना ने अपनी परफॉर्मेंस से स्टार्स के साथ फैंस का भी दिल खुश कर दिया था, क्योंकि वाकई में उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्म किया था और इसी वजह से हर तरफ रिहाना के ही चर्चे हो रहे हैं। शाहरुख खान, गौरी खान, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को भी इस फंक्शन में रिहाना के साथ नाचते हुए देखा गया। रिहाना स्टेज पर दमदार परफॉर्म कर रही थी, उनके साथ उनकी टीम के भी मूव्स देखने लायक थे जिस पर बॉलीवुड के स्टार्स भी झूमते नजर आए थे। ये परफॉर्मेंस रिहाना ने 1 मार्च की शाम को दी थी। पूरे कॉन्सर्ट में उन्होंने नंगे पैर ही डांस किया था, साथ ही अपने आइकॉनिक गाने भी गाए थे जिसके बाद उनके वीडियो इंटरनेट पर वायरल हैं। परफॉर्मेंस के बाद रिहाना ने बकायदा बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के साथ मुलाकात भी की, जानवी कपूर के साथ भी ठुमके लगाती नजर आई, जिसके बाद धमाकेदार शो करने के बाद रिहाना और उनकी टीम अमेरिका वापस लौट गई। और साथ ही साथ ये भी पता चल गया कि आज के बाद से कोई भी विदेशी हिंदुस्तान को गरीब नहीं बोलेगा, नहीं तो 2 मिनट में उसको उसकी औकात बता दी जाएगी। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या ऐसे कभी हिंदुस्तान के लिए कोई कुछ बोलेगा? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।